महाकाल की सवारी में शाही शब्द पर विवाद। सवारी से पहले शाही शब्द हटाने की मांग की गई है। साधु संतों के समर्थन में पूर्व बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया की मांग रही है। सीएम मोहन यादव से बदलाव की मांग की गई है। बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी ने शाही शब्द को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि नाम बदलने की प्रथा बीजेपी की है। रामकृष्ण के बाद शिव के नाम पर राजनीति गलत है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि गुलामी के प्रतीक चिन्ह देश में नहीं बचेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि महाकाल जी ही सृष्टि के रचयिता हैं। पहले भी उन्होंने ही दुनिया, हम जब नहीं थे तब भी वो थे, आज हैं तब भी वही चला रहे हैं और आगे भी वही चलाएंगे। तो भगवान के मामलों में मुझे लगता है कि जिस तरीके से श्री राम और सबके नाम पे राजनीति करती है भाजपा, वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी यशपाल जी काफ़ी सीनियर हैं और बोला है उन्होंने, तो उनकी सरकार है, दिल्ली में भी है, यहाँ पे भी है, नाम चेंज करने की प्रथा उनके यहाँ चली रही है, तो कर दें, जिस चीज़ का चेंज करना है करवा लें। वो मुझे लग रहा है उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, क्योंकि गुटबाजी बहुत चल रही है। सीनियर्स लोगों को वहाँ पे बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। गुट समझ में आ रहे हैं, मोहन यादव जी, शिवराज जी, वीडी शर्मा जी, ऐसे कई गुटों में भाजपा बटी हुई है। इसके बारे में क्या है, क्या नहीं है और क्या डिमांड हुई है, कौन सी हुई है, लेकिन गुलामी के प्रतीक देश के अंदर कोई नहीं बचेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राहुल सिंह राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, अब शाही सवारी में से शाही शब्द हटाने की मांग की जा रही है और उसको लेकर के ये एक ट्वीट भी किया गया है बीजेपी के पूर्व विधायक की तरफ से, इसको लेकर के क्या पूरी जानकारी है? देखिए, एक बड़ा अपडेट सबसे पहले मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपको दे देता हूं कि कल जनसंपर्क विभाग ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें लिखा था शाही सवारी बाबा महाकाल की सोमवार को शाम 4 बजे नगर भ्रमण पर निकलेगी। और आज 1 घंटे पहले ही जनसंपर्क ने, जब सुबह से ये बवाल खड़ा हुआ इस पूरे नाम को लेकर, तो जनसंपर्क ने प्रेस नोट जारी किया है और उसमें लिखा है कि ये शाही नहीं, अब राष्ट्रीय सवारी उन्होंने लिखा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब शाही सवारी का नाम मौखिक तौर पर तो नहीं, लेकिन जनसंपर्क ने अपने जो प्रेस नोट में जारी किया है वो इशारा करता है कि अब नाम को बदल दिया गया है, अब शाही शब्द नहीं राष्ट्रीय शब्द उपयोग किया जाएगा। देखिए, इस पूरे मामले में सुबह यशपाल सिसोदिया भाजपा के पूर्व विधायक ने ट्वीट कर जानकारी दी थी और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की थी, हवाला दिया था कि कई जो हिंदू संगठन है, कई सामाजिक लोग हैं, विद्वान है, उन्होंने ये मांग उठाई है कि शाही सवारी को लेकर जो शब्द है वो इस्लामिक शब्द है शाही, और इस पर इसको हटा देना चाहिए, इसकी जगह और कुछ नाम होना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की और कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की तो ये परंपरा चली आ रही है, ये सारे नाम बदलने का जो रिवाज है भाजपा का शुरू से है, पहले राम, फिर कृष्ण और अब शिव के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है। तो दोनों सियासी घमासान के बाद अब जनसंपर्क उज्जैन ने अपने महाकालेश्वर मंदिर के जनसंपर्क पेज पर भी, सोशल मीडिया पेज पर प्रेस नोट जारी किया आधिकारिक, जिसमें राष्ट्रीय लिखा है, और जनसंपर्क आधिकारिक जिला प्रशासन का है, उसने भी अपने जनसंपर्क ग्रुप में राष्ट्रीय नाम दिया भी कर दिया गया है, जिसकी मांग लगातार बीजेपी के जो पूर्व विधायक है वो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राहुल।